नहीं जानते हैं आप लोग डूबा है, इसलिए दो साल में ज्यादा समय नहीं रहूंगा, लेकिन आपको बातचीत में बहुत बात थोड़ा जान जाएंगे। लाल झंडा देश जब हमारे प्राधीन था, देश जब हमारे गुलाम था, देश जब हमारा स्वाधीन नहीं हुआ था, 1886 ईस्वी में अमेरिका का शिकागो शहर में मजदूर किसान मेहनत कर अपना हक के लड़ाई के लिए 8 घंटा काम का दरमियान काम करने के लिए ये पूंजीपति वर्ग के साथ, ये अंग्रेज लोगों के साथ, आपका हमारा ऐसा लोग हक के खाने वाले लोग 2400 घंटा दिन रात लड़ाई किया। हमको 8 घंटा काम करने का आजादी चाहिए, 8 घंटा हमको सोने का आराम करने का समय चाहिए, और 8 घंटा हमारा विभिन्न काम करने के लिए हमारा समय चाहिए। ये 8 घंटा का लड़ाई के लिए, आपका हक का लड़ाई के लिए 1886 ईस्वी में पूरे आपका ऐसा हमारे ऐसा खाते खाने वाले लोग लड़ाई किया। लड़ाई करते करते वो पूंजीपति वाले लोग एक तरफ से मारते किया, लेकिन लड़ाई बंद नहीं हुआ। मारते मारते जब थक गए तब उन्होंने आपका शिकार किया कि आप लड़ाई बंद करो। लड़ाई बंद हुआ, आपने पूंजीपति वर्ग लोग अपना हाथ उठा लिया। उस लड़ाई में जिन युवाओं का, जिन गरीब किसान खाद के वाले खाने का जो खून बहा, इतना खून बहा, उस खून से अपना कपड़ा का रंगा हुआ कपड़ा लाल झंडा बना था। थी ये आपका खून का झंडा है, गरीब किसान मजदूर मेहनत करते का खून का ये झंडा बना हुआ है, तो हम जाके लाल झंडा बना। और लाल झंडा सिर्फ हमारे निशा में नहीं, धनबाद में नहीं, लाल झंडा पूरा विश्व में है। ये जो कांग्रेस हुआ, भाजपा हुआ, जेएमएम हुआ, ये लोग हम लोग सीधी देखना देश में है, लेकिन लाल झंडा पूरा विश्व में है। विश्व में लाल झंडा है, चाहे हरा हुआ हो और चाहे जीता हुआ हो, ये लाल झंडा हमारे धनबाद में कैसा आया थोड़ा इन्हीं बात बोलेंगे। हम खुद में बोला एक राय, एक राय को बहुत सारे युवा हमारे लोग 18 से 22 साल के हैं, एक राय को नहीं जानते हैं, गुलाब चड्ढा जी को नहीं जानते हैं। कौन एक राय कलकत्ता बंगाल में जन्म हुआ, उसको ढाका में जन्म हुआ था, और इंजीनियरिंग पढ़ाई पढ़ा 17 साल में कांग्रेस एक राय जेल किया आंदोलन के दरमियान पढ़ते पढ़ते वो इंजीनियरिंग जो आप लोग इंजीनियरिंग का है इंजीनियरिंग डिग्री प्राप्त किया। और सिंदरी फर्टिलाइजर हमारे ये सिंदरी बिलियापुर सिंदरी की सिंदरी में आकर वो इंजीनियरिंग में काम करने शुरू किया। इंजीनियर के रूप में काम करते थे, तब जाके उस फैक्ट्री में मजदूर का ऊपर आंदोलन हुआ, मजदूर को कंपनी ने प्रचारित किया और मजदूर का जो शोषण करता है शोषण किया, मजदूरों को उस मालिक ने सस्पेंड कर डिस्चार्ज करके बैठा दिया। तब जाके कांग्रेस लेकर आए, इंजीनियरिंग करते करते उसका मजदूर का पक्ष में खड़ा हुआ, और मजदूर का पक्ष में खड़ा होने के बाद आंदोलन शुरू किया। गरीब किसान लोगों को असंगठित किया और संगठित करने के बाद वो गांव में सिंधी का जगल बगल गांव वहां पर झुब्बा लगा को शिक्षित लड़का को ट्यूशन पढ़ने शुरू किया। जो उसके पास पढ़ता था वो फ्री कॉस्ट में उसको पढ़ाते थे, और गरीब को जो ऊपर अत्याचार होता रहा पूरे धनबाद में, उस समय माफिया लोग सूद पर महाजन लोग तलाब में पकड़ कर कोई काम कर रहा था उसमें खींच के पैसा ले लेता था, सुदकोर महाजन के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। कोमल एक राय जो विदेश से आया करीब 60 का दशक में वहां पर पहला एमएलए बना, 3 बार MLA बना, और 3 बार MLA के बनने के बाद 1977 का दशक में कोमल एक राय संसद में खड़ा हुआ जेपी का आंदोलन का समय में। अब उस समय कोमल एक राय जेल में था, जेल में
आए जेल से 1977 का दशक में जेल से 1,00,000 वोट में जीता जेल के अंदर था और आप हम मिलकर उन्होंने राय को संसद बनाए जेल के अंदर से संसद ने जीता साथी वही कांग्रेस एक राय जो आज हम लोग लाल झंडा करता है साथी एक राय को बहुत सारे लोग देखे भी होंगे एक राय इस आंदोलन में हम लोग सीखा हम लोग पहले ब्लॉक में जा नहीं पाते थे हम लोग पहले कोई ऑफिस में पुलिस के साथ बात कर नहीं पाते थे कांग्रेस एक राय ने ब्लॉक जाने को सिखाया तुम्हारा अधिकार वीडियो तुम्हारे नौकर है वीडियो ग्राम का काम करेगा ग्राम विकास का काम करेगा तुम थाना में जाओ थाना में दारोगा से बात करो एसपी से बात करो अगर हम लोग आज खड़ा हो गए धनबाद के लोग बात करते हैं ये कांग्रेस एक राय को दान देने साथी उसका साथ संसद में रायता का बात को आपका सामने रखा ही आज लाल झंडा का दिशा दशा है और 3 बार संसद बनने के बाद रीता वर्मा जानते हैं रीता वर्मा वो जो उसका पति रणधीर वर्मा एसपी थे उसको बेल लुटेरा ने पंजाब से आए थे आतंकी लोग उसको मदद कर दिया और मदद करने के बाद उस समय रीता वर्मा लोकसभा में खड़ा हुआ उसी समय कमरे यहाँ पर तो बहुत स्वाभाविक हो तो वोट होता है हर गया ना उस समय रीता वर्मा पर हरा फिर हम लोग जीत नहीं पाए उसका बाद यहाँ पर हमारे एमएलए कॉम्रेड गुरदास चटर्जी गुरदास चटर्जी पर बहुत लोग आपको नहीं जानते हैं गुरदास चटर्जी आप लोग बहुत लोग देखे भी होंगे एक सामान्य नौकरी करते थे हमारे सीएल गुलिया की नौकरी करते थे क्लार्क का केस चटर्जी कांग्रेस करते थे पार्टी छोड़ के चला गया बासठ से तो आप गुरदास चटर्जी यही ईर्षा के धरती पर उपज हुआ गुरदास चटर्जी साधारण व्यक्ति थे एकदम साधारण उन्होंने कोई गरीब लोग का कोई असुविधा होता था कोई मजदूर को कोई ऊपर में प्रचार होता था बगल में जाके खड़ा होते थे उस समय नेता नहीं थे नेता रूप में गुरदास चटर्जी लोग नहीं जानते थे लेकिन काम करते करते किसी को बेटी का शादी है तो गुरदास चटर्जी का खबर हुआ जिसका बेटे थोड़ा मदद कर दीजिए किसी को चावल दे दिया कोई किसी को 1,000 रुपया दे दिया किसी का लड़का का बच्चा का तबियत खराब है उनको पास गोलिया ने किया ये आपको सेल्स ऑफिस उनका मोड में हमारे शक्ति पद बॉलीवुड के कॉम्रेड था तो गुलाब चटर्जी के साथ बहुत उसको लिंक था किसी गांव में किसी को होता था खबर देते थे तो मदद करते थे उसी मदद करते करते जो एस चटर्जी हमारे एनसीसी छोड़ के कांग्रेस में चला गया गुलाब चटर्जी के 89 में निरसा का लोगों ने उसको एमएलए के रूप में चुनाव किया और गुलाब चटर्जी एमएलए जीता और एमएलए जीतने के बाद वो इतना मैंने लोकप्रिय अर्जन किया जब गांव में कांग्रेस गुलाब चटर्जी बुलेट से चलते थे छोटा छोटा बच्चा गांव में जो बंदी चलाते थे बैल चलाते थे एक गुरुदास चटर्जी गुरुदास चटर्जी गुरुदास चटर्जी माने गुरुदास इतना पॉपुलर बना गांव में गुरुदास चटर्जी आते थे नारा लगाओ बच्चा लोग नारा लगाते थे बच्चा लोग को जाते जाते चॉकलेट खरीदा चॉकलेट दिया पैसा दिया फुटबॉल दिया ऐसे ऐसे एकदम पॉपुलर बना वो गुरुदास चटर्जी हमारे निरसा के धरती पर 3 बार एमएलए आपका बना आप लोग हम लोग बनाए ऐसे था गुरदास चटर्जी कोई समस्या हुआ अगर घर में लुंगी पहना हुआ है तो ऊपर भी उठ के उस समस्या का समाधान के लिए खड़ा होते थे अगर किसी को जमीन का कोई कब्जा कर रहा है माफिया लोग जाके खड़ा होते थे कोई गरीब बेटी का शादी नहीं हुआ उसको शादी का देने के लिए बगल में जाके खड़ा होते थे वही था गुरदास चटर्जी साथियों आज गुरदास चटर्जी एक मीटिंग करने के गए थे धनबाद 2000 साल में वो मजदूरों का मीटिंग था कुलियाने का वो आते आते धनबाद के आगे खराब भुगता पहला पैसा बंगला में कोयला उड़ता के 3 मोटरसाइकिल आज छो वो मोटरसाइकिल में आ गए थे वो देवली का सामने में गुरदास चटर्जी को हमारा का माफिया लोग ने 3 दहाड़े गोली मार दिया साथी गोली मार दिया सर पर ये सर पर लगा गोली और तुरंत गिर गया और गुरदास चटर्जी हम लोग का पीछे चला गया था पहले गुरदास चटर्जी थे आज गुरदास चटर्जी हमारे बीच में नहीं है लेकिन गुरदास चटर्जी जो काम गुरदास चटर्जी जो आवाज गुरदास चटर्जी का जो आज नीति आज हम लोग उसका विचार लेकर चलते हैं साथियों वही गुरदास चटर्जी थे तब हम लोग 2000 साल में जब हम लोग का फिर चुनाव हुआ तो हमने अरुण चटर्जी उस समय नौकरी करते थे कलकत्ता में एमबीए का जो हमारे बीच में बैठे हुए थे इन्हें नौकरी कर रहा था हम लोग सारे मास्टर्स का कार्यकर्ता मिलकर जॉइन किया नहीं गुरदास चटर्जी हमारे निष्ठा का धरती पर घूम गया इसलिए कहते हैं गुरदास चटर्जी के लड़का को ही हम लोग एमएलए खड़ा करेंगे तो हम लोग खड़ा करके हमें अरुण चटर्जी को 16,000 वोट का लोग जिताए ताकि भाई अरुण चटर्जी हमारे बीच में बैठे हुए हैं आज जैसे गुरदास चटर्जी हमारे बीच में 3 बार एमएलए होकर तो काम किया गरीबों का बीच में काम किया मेहनत बस का बीचों में काम किया
आज भविष्य का भी वही काम करना है। अरुण चरा जी ने तीन बार आपका हम लोग हम लोग दम जी दस का है अरुण चरा जी को। अरुण चरा जी बात तो हमारे 19 का निर्वाचन हुआ, 19 का निर्वाचन में हम लोग को सशक्त किया, हम लोग हार गए। विकास अभी हमारे बीच में कांग्रेस सोनू मिश्रा जी बात को बोला, चाहे मंदिर बोलिए, चाहे बजरंगबली मंदिर बोलिए, चाहे आदिवासी को बुढ़ामणि थान बोलिए, चाहे बैंगली लोग को हरि मंदिर बोलिए, इतना हम लोग बनाए गांव में रोड बनाए तालाब बनाए, जो आज गांव में कोई काम नहीं करने का जरूरत नहीं, जो रूपचंद जी कर गया साथियों, तो साथी आ गए रूपचंद जी है, आज का बीच में कांग्रेस रूपचंद जी बैठा हुआ है। लेकिन आज ये देश हमारे आज विकट परिस्थिति में है साथियों, हमको आज पहले तो हमको शिक्षा चाहिए, उसके बाद मुझे रोजगार चाहिए, उसके बाद मुझे रहने का आवास चाहिए, उसके बाद मुझे महिला लोगों का सम्मान चाहिए। लेकिन साथी बड़ी दुख की बात है, अभी हमारे बीच में आप लोगों ने सवाल किया जो पढ़ने का बाद मुझे नौकरी चाहिए, लेकिन साथी पढ़ने का बाद भी आपको नौकरी नहीं मिलेगा इस सरकार से। इस सरकार का नौकरी का कोई एजेंडा नहीं है, इस सरकार को महिला के ऊपर अत्याचार का कोई एजेंडा नहीं है, इस सरकार का पास आपका कोई विकास का एजेंडा नहीं है। इस सरकार का वही है हिंदू और मुसलमान, इस सरकार ने हिंदू मुसलमान बोलकर मंदिर बोलकर आपको साथी बरगला दिया है। हम लोग उन्माद हो गए हैं, हम लोग आज उन्माद है, हंसी का बात नहीं है साथियों, आपका सोचने के बाद आपका भविष्य का बात है। हम लोग का उम्र हो गया, मुझे कोई नौकरी नहीं चाहिए, और उपचार जी का कोई नौकरी नहीं चाहिए, लेकिन आज 18 से 20 साल 25 साल का जो लड़का बैठे हुए हैं, आपको नौकरी चाहिए, आपको रोजगार चाहिए, बिना रोजगार का बात नहीं सकते हैं, इसलिए रोजगार पाने के लिए ये रोजगार विरोधी सरकार केंद्र सरकार को आपको खर्च करना होगा, तभी आपको रोजगार मिलेगा, लेकिन आपको रोजगार आपको नहीं है। आज तमाम सेक्टर, चाहे कोलैंड हो, चाहे कोटाधारा हो, चाहे बैंक हो, चाहे रेल हो, सारे आज निजीकरण कर रहा है, निजीकरण हो रहा है कि नहीं बोलिए तो बोलिए साथी, राष्ट्रीयकरण से निजीकरण हो रहा है, आज पूरा निजीकरण हो रहा है। और एक बात आपको भी बोले, ये लाल झंडा 8 घंटा लड़ाई के लिए आपका खून पसीना बहाया, आज 8 घंटा से आप तक 12 घंटा काम ले रहा है, 12 घंटा आपको सोचने के बाद में समझो, हम तो हल्ला कर रहे हैं ये मत समझिए, हम काम नहीं करेंगे, आपको काम करना है, आपको लाल झंडा का 8 घंटा का लड़ाई आपको लड़ना है, तभी जब आपको लाल 8 घंटा लड़ाई होगा, नहीं आपको 12 घंटा कराएगा, कोई नहीं रुक सकता सभी। এই জন্য সাথী মা বন্ধুদের কাছে বলছি, আপনারা আমার সম্মান বাঁচাতে চান, আপনি স্বাধীনভাবে বাঁচতে চান, আপনি যদি নিজে ঘরে থাকার জন্য আবাস চান, আপনি যদি চাকরি পেতে চান, তো কেন্দ্র সরকার ভাজপা সরকারকে 2024 আপনাকে উঠান করতে হবে, আপনি উঠানকে ফেলতে হবে, তবেই যাতে আপনার চিন্তা করা, তবেই যাতে নৌকরি মিলেগা, তবেই আপনি স্বাধীনভাবে বলতে দেগা, নেই তো নেই মিলেগা সাথী। সাথী आप युवा है, आप किसी ने बता रहा हूं मैं, इस युवा साथी लोग ज्यादातर आप लोग ज्यादातर आपका उम्र क्या लड़का लोग, हम देखते हैं साथियों माथा में पागड़ी बांध लिया, और जो श्रीराम मैं भी जो श्रीराम करता हूं, ये जो श्रीराम कोई नया चीज नहीं है, ये मेरा पूर्वज लोग मेरा बाप दादा लोग जो श्रीराम किया, मेरा बाप दादा लोग काम में हरिनाम किया, 24 प्रहार और नौस्तम प्रहार नवम प्रहार, लेकिन वो वोट के हम लोग राजनीति नहीं किया, वो वोट के हम लोग वोट नहीं लिया, हम लोग वोट मांगते हैं आपका विकास के लिए, आपको सुरक्षा के लिए, आपको रोजगार के लिए। तो साथी मैं फिर याद दिला दे रहा हूं, जिस समय 2014 में ये नरेंद्र मोदी बोला था कि हम काला धन वापस लाएंगे, आप लोग मोबाइल सभी के पास मोबाइल है, सभी का घर पे टीवी है, ये काला धन वापस लगा, कहा कौन काला धन, स्विट्जरलैंड में ये पूंजीपति लोग सब स्विट्जरलैंड में रुपया बना दिया, वो काला धन लाएंगे और आपका बीच में करोड़ लाख करके हम खाता में घुसाएंगे। तमाम भारतवर्ष के लोग खाता खोल दिया, 15 लाख का आशा पर 15 लाख मिल गया, 14 में जीता, 19 में जीता, फिर 24 में नाटक बना दिया, सबको नाटक बना दिया, एकदम हम 22 तारीख को देखा, बाप रे बाप ये कहां हो रहा है साथी,
ये किसी को नौकरी नहीं चाहिए, किसी को कोई बीमारी हो तो उसको हॉस्पिटल दवा नहीं चाहिए। साथी आपको बीमारी हुआ आप कहां जाइएगा? मगरे बोलिए, बीमारी हुआ तो कहां जाइएगा? डॉक्टर का पास एक हॉस्पिटल, इसीलिए आपको हॉस्पिटल चाहिए स्वास्थ्य को बचाने के लिए। आपको इस जीविका पालन के लिए नौकरी चाहिए, आपको रहने के लिए आवास चाहिए। अभी हमारे सरकार, हमारे हेमंत सरकार, आपको आवास वो बोला था, वोट का समय घोषणा किया था, मैं सभी गरीबों को आपको आवास देंगे, जिसमें हमारे दो घर होगा, उसमें किचन होगा, दे रहा है। मैंने वो कार्यक्रम चालू किया, उतर भी चला गया, यही सरकार ने उसको गलत ढंग से जेल में फंसा के उसको घुसा दिया, उसको मुख्यमंत्री से इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन अभी जो मुख्यमंत्री बना, ये काम उसको पूरा करेगा, हम लोग उम्मीद है साथियों। इसलिए आपको थोड़ा सोचने के बात है, आप लोग उमंग में मत जाइए, आपने सोचिए, आपका हृदय में, अपना बुद्ध में, सीना में हाथ रख के बोलिए कि सही में क्या देश में हिंदू मुसलमान हाथ से है कि कुल से है। देश जब हमारा स्वाधीन हुआ तो हमारे देश में मुसलमान भी था, हमारे देश में सिख भी था, हमारे देश में ईसाई भी था, सारे लोग था। मुसलमान भी कुर्बानी दिया, हिंदू भी दिया, सिख भी दिया, ईसाई भी दिया, सारे लोग मिलकर लड़ाई किया तब तक देश स्वाधीन हुआ। आज हम लोग हिंदू हिंदू मुसलमान मुसलमान बोलकर वोट को हम लोग बंटवारा कर देते हैं। बोलते हाँ हिंदू है, भाई आपको कौन बोल रहा है मुसलमान है? हम तो हिंदू है, लेकिन मैं भाजपा नहीं करता। हिंदू होने का मतलब भाजपा करने के तो बात नहीं है। आप नरेंद्र मोदी इस संविधान को फेंकने का कोशिश कर रहा है, विशेष करके मैं बोले एससी लोग को काल को बहस कर रहा था, फिर लोकसभा में जो दलित लोग है उसका काम दलित लोग करता है, पिछली वही करेगा, दूसरा काम करने का उसको अधिकार नहीं। अभी बीजेपी जात पात का बात करता है, अभी भी आप लोग सुनिएगा खड़े का भाषण को, उस संसद में बता रहा था, बोला नरेंद्र मोदी को उसका आपस लेने बोले बात को, यही तो हमारे देश का एक मुख्यमंत्री है, अभी भी जो पिछड़ी है, एससी एसटी है, उसको बोला तुम्हारा काम यहाँ पढ़ने का नहीं है, संसद में नहीं है, तुमको नेता बनना नहीं है। क्यों भाई? हमारा संविधान अधिकार क्या है? हमको बात बोलने का अधिकार दिया, हमको भाषण देने का अधिकार दिया, हमको काम करने का अधिकार दिया, हम जो छुआछूत करता है उसका विरोध करने का हमको अधिकार दिया। लेकिन ये सरकार आज भी चाहता है कि गरीब गरीब रहे। ये सरकार देखिए भाजपा लोग एसटी मोर्चा बनाता है, एससी मोर्चा बनाता है, अभी लोग चाहता है लोग अभी भी जात में बता रहे, एससी मोर्चा बने, जैसे हम एससी में आते हैं तो हम एससी मोर्चा बना, हम एससी रहेंगे, विधानसभा में जानते हैं यहाँ का लोग को बगराया, बोला भाजपा के वोट दो, बावी टोला टोला ने किया भाजपा के वोट दो, अमर बावी मुख्यमंत्री बनेगा, हमारा विधानसभा का लोग को मौका बनाएगा। मैं बावी समाज का लड़का लोग अगर कोई बैठा हुआ है, मैं उसको बोलना चाहता हूँ, कोई जाति का मैं बगराया नहीं, कोई जात पात कोई नहीं, कुछ नहीं है, ये तो पार्टी का एजेंडा है, थोड़ा जात पात बोल के लोग बात का वोट को लेता है, जात हुआ तो क्या हुआ, बावी है तो है, लेकिन उस बारी को भी जानते हैं सर, किया बदला था बेटा पूजा करने नहीं, आज भी जान पाते, इसीलिए मैं बोल रहा हूं। और जो कुछ भी मेरा वो भी मेरा रिलेशन साथ है, पर दुख की बात है ये सरकार को अभी भी जात पात का सुनाते रखा है, लेकिन पूर्व में जो सरकार था वो लोग चाहता था कि गरीब आ गया है, इसीलिए गरीबों का दिया था, ये जो हम लोग का काम होता आरक्षण, आरक्षण किस लिए दिया? आरक्षण इसीलिए दिया कि गरीब किसान उठा के खाने वाले लोग जो एकदम नीचे तबका के लोग होता है वो आगे आए। तो साथियों क्या मालूम आपको अच्छा लगता है ना खराब लगता है, मैं तो बोल के जा रहा हूँ, इसीलिए ज्यादा नहीं बोलेंगे, लगता हूँ बोलेंगे बहुत ज्यादा बोल रहा है, बहुत भोगता है, लेकिन साथी मैं ज्ञान जानना चाहता हूँ, आप बहुत आनंद हो रहा है जो आप लोग का युवा साथी आप लोग जुटे, और मैं ये जो कार्यक्रम को आश्वासित किया युवा लोग, मैं उन लोग को धन्यवाद दूंगा, और आप लोग जो हमारे नेता को बात सुनने के लिए आए हैं,
मैं आप लोग से धन्यवाद दूंगा। आमीन। इस मन से आप लोग बोलेंगे कि भाजपा से होशियार रहिए, भाजपा हटाओ, देश बचाओ, ये हमारा नारा होगा। सभी इसी आशा के साथ सभी साथी को लाल सलाम देकर मेरा बात को विराम देते हैं। इंकलाब जिंदाबाद, लाल झंडा जिंदाबाद, सभी युवाओं को लाल सलाम साहब।